Good morning, class 9th. Today we are going to start our next topic and that is cell wall. ठीक है, cell wall क्या होती है, हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसका composition क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन organisms में पाई जाती हैं, ठीक है, और इसका structure कैसा है. ठीक, तो first of all हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इसको discover किसने किया था. तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेल वॉल किन किन चीज़ों में पाई जाती है, किस में पाई जाती है. तो फर्स्ट आपका क्या है, प्लांट सेल में पाई जाती है. ठीक है, बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं और फंगल सेल, यानी तीन चीज़ों में पाई जाती हैं. ठीक, अब देखिए, अब हम इनके जो कंपोजिशन है, मतलब कि जो है, अगर ये प्लांट सेल, अब देखिए प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, तीनों में पाई जाती हैं. ठीक है, मतलब कि प्लांट्स में पाई जाएंगी, बैक्टीरिया में पाई जाएंगी और फंगस में पाई जाएंगी या फंजाई में पाई जाएंगी. ठीक, तो देखिए, अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में, तीनों में इसका कंपोजिशन क्या क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर उसमें अब प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं. तो देखिए, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल वॉल में क्या होता है, मेनली सेलुलोज होता है. ठीक है, जो कि एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है. सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है. पॉली मतलब मैनी और सेक्राइड मतलब शुगर, मतलब बहुत सारे शुगर का मिक्सचर, एक तरीके से कह सकते हैं ये होता है. और आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है पॉलीसेक्राइड. ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हुआ. ठीक है, आपका सेलुलोज. उसके बाद बात करें तो सेलुलोज जो होता है बेटा, ये सबसे पहले नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आपका कार्बोहाइड्रेट है. मतलब ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाया जाता है, नंबर वन पे पाया जाता है सेलुलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, क्लोथ्स में और फाइबर्स में और पेपर्स में, ये सारी चीज़ें बनाने में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आपका आ जाता है बैक्टीरियल सेल. तो बैक्टीरियल सेल में क्या है, इसमें बेटा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्लस इसमें इसकी जो ये चीज़ें होती हैं, इसको म्यूरिन से बनी हुई होती हैं. ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो होती है म्यूरिन की बनी होती है, जो एक टाइप का पेप्टिडो ग्लाइकन है. ठीक, तो ये पेप्टिडो ग्लाइकन क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये पेप्टाइड और ग्लाइकॉन, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, पेप्टाइड का मतलब होता है, देखिए पेप्टाइड और ग्लाइकॉन. ठीक, पेप्टाइड का मतलब होता है आपका एमिनो एसिड. ठीक है, और ग्लाइकॉन का मतलब होता है शुगर, शुगर या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ये चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है. ठीक है, अब देखिए, देखिए तो ये जो होता है डिफरेंस देखा जाए तो आपका प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में क्या है, तो देखा जाए तो ये इसमें भी कार्बोहाइड्रेट उसमें भी पाया जा रहा था, इसमें भी पाया जा रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें अमीनो एसिड भी पाया जा रहा है. ठीक है, इसमें अमीनो एसिड भी पाया जा रहा है. और अमीनो एसिड क्या होता है, तो अमीनो एसिड इज़ अ प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, ये प्रोटीन के ब्लॉक्स की बिल्डिंग करता है. ठीक है, अब देखिए, मतलब ये एक टाइप का प्रोटीन है जो कि बिल्डिंग करता है ब्लॉक्स की. ठीक है, अब देखिए आपकी बात आती है, और ये देखिए ये जो लास्ट पॉइंट आपका है, माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, मतलब माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरियल सेल है जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है. ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन है. ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फंगल सेल वॉल की. तो फंगल सेल वॉल जो होती है बेटा, वो काइटिन की बनी हुई होती है. ठीक है, ये भी एक टाइप का पॉलीसेक्राइड होता है. ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉली.
पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड की बात जहाँ पे भी आएगी तो आप जान जाएंगे कि वहाँ पे बात किसकी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। बट इसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स भी होते हैं, इसलिए ये सेम नहीं होता और दोनों के, ठीक है। तो फिर आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग बात करते हैं अब आपका जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है। तो ये जो बेटा सबसे आउटर लेयर जो होती है, देखिए ये जो सबसे आउटर वॉल होती है जो ब्लैक ब्लैक कलर की है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है। हेमी सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप का सिंपल सेलुलोज है ये, ठीक है। इसके बाद जो इसके बाद वाली ये जो सेल होती, मतलब इस सेल का क्या बोलते हैं, ये जो इसके बाद वाला वॉल होता है इसको हम लोग सेकेंडरी वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती, प्लस इसमें लिग्निन पॉलीमर भी पाया जाता है, ठीक है। और जो आपकी थर्ड होती है वॉल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और आपकी ये सबसे आउटर वॉल और ये आपकी प्राइमरी वॉल, इनके बीच में जो जगह होती है इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। उसके बाद ये आपका पोर होता है एक टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्यों प्रेजेंट होता है, ये सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ से कोई भी फूड मटेरियल जाना होगा तो यहाँ से इस सेल में आसानी से जा सकता है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्मॉल होल्स और चैनल्स फॉर पासेज, मतलब कि जो सारी चीज़ें एक सेल से दूसरी सेल में भेजने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ठीक है। अब जो आप लोगों ने कल आपने बनाया हुआ है, हमें लगता है मैंने जो नोट्स आप लोगों को बनवाई हुई है, वो जो सारी चीज़ें आपने लिखी हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका ये फंक्शन क्या होता है इसका, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है बेटा वो ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, मतलब कि जो है इसको बचा के रखता है। दूसरी बात, सपोर्ट देता है इनको कि ये अपनी जगह पर बने रहें। दूसरी बात, ये प्रोटेक्शन देता है, मतलब आपका जो फर्स्ट बात करें तो आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट फंक्शन देखा जाए तो ये देता है सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक, ये इनका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। एंड द सेकंड फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन, ये बाहर से आने वाले पैथोजन से, ऑर्गेनिज्म से, ये सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या, और क्या करता है, कंट्रोल्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मतलब कंट्रोल्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल में कौन सी चीज़ नहीं जानी है या मिक्सअप होने वाली जो बात होती है वो इसकी वजह से ही बची रहती है, ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होती है। मेंटेन्स सेल शेप, मतलब ये आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये क्या है, सबसे आउटर वॉल है, ये सेल वॉल जो होती है, वो सेल वॉल जो होती है वो सेल की वॉल है। तो ये क्या करती है, ये इनको क्या देती है, शेप देती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है। थैंक यू।